कमर का नाप देखने के बाद इतना चीखने की क्या जरूरत है? तुमने कभी अपना पेट देखा है? पेट? हाँ देखा देखा है, हरदम पेट ही दिखता रहता है मुझे। अरे पैर तो दिखते नहीं है ना, लेफ्ट वाला शू राइट में चला जाता है और राइट वाला शू लेफ्ट में। शर्म करो शर्म करो, ये शरीर है ना भगवान की देन है और तुमने उसमें खाना ठूस ठूस कर उसे मालगाड़ी बना रखी है। कुछ नहीं कुछ नहीं, बुजुर्ग कहते हैं शरीर नहीं दिल सुंदर होना चाहिए। अरे बुजुर्गों का जमाना नहीं रहा, जरा सोचो तुम सब्जी लेने गए और वहाँ सब्जी वाले ने कहीं तुम्हें कद्दू समझकर थैले में भर दिया तो। वैसे है ना तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर है। थैंक यू। थैंक यू वाले, मगर सोचो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर क्यों नहीं काटती पता है? नहीं क्यों? अरे इसलिए कि तुम इतने मोटे हो कि तुम्हारा चेहरा तो नजर आता ही नहीं, सबसे पहले ये पेटू ही नजर आता है। क्यों मैं इतना मोटा हूं? अरे मेरी बात मानो, गलती से है ना ट्रैकिंग के लिए जंगल में मत जाना। क्यों? कोई हथनी तुम्हें उसका बच्चा समझकर उठा ना ले जाए। तुम्हें पता है तुम्हारा ये मोटापा है ना तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी खुशियों में तुम्हारी शादी में पहाड़ बनकर खड़ा है। वैसे है ना तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है और तुम्हारे ये इतना लंबा कद, तुम्हारा ये रंग, ये रूप, ये आंखें और ये बाल, भगवान ने तो तुम्हें फुर्सत से बनाया है फुर्सत से। लेकिन ये तुम्हारा मोटापा है ना उसमें पूरा पानी फेर देता है पानी। नहीं ओ बसंती, अरे पानी किधर गया? हमको बोल के थोड़ी ना जाता है। देखो तुम वो लड़कियों को जाके बोलो टंकी इतना भरा था किधर गया सब मोटर, उनको बोलो ज्यादा पानी वेस्ट मत करो। बोला सब बोला, पता है वो लोग क्या बोलता है कि आंटी सारा पानी वेस्ट करता है, सारा दिन चीखता रहता है चिल्लाता रहता है डांटता रहता है और फिर गला सूखने पर पानी पीता रहता है। और अब देखो ना आंटी, तुम चार चार घंटे नहाएगा भैंस की माफी पानी में बैठा रहेगा तो पानी वेस्ट होगा कि नहीं? वो बोलता है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने बोल दिया कि आंटी हमेशा साफ सुथरा रहता है इसलिए चार चार घंटे नहाता है। शाबाश बसंती। आंटी वो और भी कुछ बोला। क्या? वो बोला कि कितना भी घिसो कौवा हंस नहीं बन सकता। सच कह रही। अरे मेरे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने साबुन नहीं लगाया वरना सारे मोहल्ले में भाग दौड़ मच जाती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा शक है कि मैं नहाते वक्त बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और खास कर साबुन के जाग में। अब अगर पानी नहीं आता तो मुझे तो वैसे ही बार बार निकलना पड़ता ना। नहीं नहीं, अरे भगवान को मोहल्ले वालों की बहुत चिंता है, वो क्यों सबकी सुबह खराब करेगा। पानी जरूर आएगा। पानी पानी पानी, अब कहाँ से आएगा पानी? ये सब क्या हो रहा है? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे, कहाँ गया वो 24 घंटा पानी? खत्म करने वाला तुम लोगों ने, ये सब तुम टेनर लोगों का मिस्टेक है। वाह वाह, हमने फिनिश किया। हाँ हाँ तुम दोनों ने। अरे लड़की है कि मछली है? देखो पानी में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। तो अब तीन लोगों को इतना पानी तो लगता ही है ना? तीन लोग नहीं, खाली तुम दो लोग। हाँ विनी तो बेचारा एकदम जेंटलमैन है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार नहाता है। जी। आंटी लेकिन हमें तो अपने रंग रूप और सुंदरता का ख्याल रखना ही पड़ता है ना। तुम्हें कौन सा मिस वर्ल्ड बनना है? कल से तुम सबको एक ही बाल्टी पानी मिलेगा। क्या? अरे आंटी उतने में तो मेरे नाखून भी साफ नहीं होंगे। नाखून क्या लिखा है तुमने पढ़ा नहीं? नाखून संडे के संडे काटने पड़ेंगे। वाह वाह, अभी मैं बोलूंगी मुझे ये फेस पैक निकालना है तो आप बोलेंगे गर्दन ही काट दो। अरे हम बोलेगा नहीं, हम खुद काट देगा। कल से पानी पे भी रेशनिंग होगा, समझा? पहले गवर्नमेंट में। आंटी आंटी कल से ना चलेगा। ओके दौड़ेगा दौड़ेगा, लेकिन आज के लिए तो कुछ करो ना प्लीज। हाँ, प्लीज, 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 प्लीज। हम क्या करेगा बाबा, हम तो खुद पानी पानी करता है। What? मतलब जब तक पानी नहीं आता हमें ऐसा ही बैठना पड़ेगा? ऐसे? मेरा मोटा पारे। इंडिया का पॉपुलेशन भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता होगा जितनी तेजी से मेरा मोटापा बढ़ रहा है। मिनी प्लीज धीरज रखो डियर, हिम्मत मत हारो। ओ गॉड,
तो मैं अपने आप के लिए बोझ बन गया हूँ, बोझ। विनी साहब, विनी साहब, जल्दी चलो, वहाँ ना सारी मेम साहब एक साथ मिलकर हंगामा कर रही है, चलो ना। यहाँ एक तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर पे लेकर घूम रहा हूँ और तुम वो मेम साहब करुणा रो रही है, चल फुटे यहाँ से। क्या चल, जाती हूँ, आप सबसे बड़े हैं इसलिए मैं आपको बताने आई थी, मुझे क्या है। क्या? बड़ा? सबसे बड़ा? इसने भी मुझे सबसे बड़ा कहा, तो इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। विनी, कहाँ जा रहे हो? डूब मरने। आत्महत्या, सुसाइड, आई वांट टू डाई। व्हाट रमेश, खाली बाल्टी में सर घुसाकर खुदकुशी। ये नल चालू करूंगा तो बाल्टी भर जाएगी, मेरा मुंह अंदर डालूंगा तो नाक में और मुंह में पानी नहीं जाएगा, मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब है तुम खुदकुशी करने जा रहे हो? और कोई चारा नहीं है। नहीं, विनी, विनी, कभी नहीं। देखो मैं इसे कभी नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं विली, मुझे मरने दो विली, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, इतनी सी जान देने के लिए एक पूरा बाल्टी पानी तुम इस्तेमाल करोगे? कभी नहीं। तुम्हें मरना है ना तो जाके जहर पी लो, और वो भी गोली नहीं, क्योंकि आज घर में पीने का पानी भी नहीं है, समझे? जाके फांसी लगा कर मर जाओ। समझ गया। स्टूपिड। ओहो, अब तो दीवार पर सर पटक कर ही मरना पड़ेगा। दीवार। अरे आ गई, आ गई। कौन आ गई? इस शहर में मोटापे से तुरंत छुटकारा पाने की तरकीब आ गई। हाँ, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम की ताले की चाबी आ गई। मतलब मैं स्लिम और पतला हो सकता हूँ? बस जरा सी हिम्मत, मेहनत और मेरा गाइडेंस चाहिए, बस फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, अपने आप पर कंट्रोल, और फिर देख लेना बच्चों, 4 हफ्तों में तो तुम यूं लगोगे। सिर्फ 4 हफ्तों में यूं? या वाह, मेरा जी नहीं, रैंग नंबर। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड का फोन है? नहीं, सुजाता का। मैंने उसे कहा था कि जैसे तुम्हारा बाथरूम खाली हो जाए मुझे फोन कर दे। व्हाट रमेश, सुजाता ने मुझे एक शावर बाथ प्रॉमिस की है। क्या? हाँ। शावर बाथ? हाँ। मुझे तो कल सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया था। हाउ मीन विली, व्हाट हाउ मीन? फ्रेंडशिप के लिए एक शावर बाथ नहीं सैक्रिफाइस कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे शावर बाथ देना है। पानी का सवाल है, फ्रेंडशिप में आई वांट टू हैव। शाम को मिलना, टाइम पे आना। हाँ। ये बॉब, कहाँ से ना कर आई हो? हाँ, बाथरूम में। और पानी? वो क्या है, मैंने ना नहाने की गोली ली है। व्हाट? मेरा बॉयफ्रेंड लाया है दुबई से नहाने की गोली। सिर्फ उधर ही मिलती है। हाँ। रविवार को शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार मंगलवार तक जारी है। पूरे बिल्डिंग के सारे नल पेड़ की तरह सूख गए हैं। गॉसिप का नाम सुनकर बसंती विली सबके मुंह में पानी भर आता था, आज तो वो भी नहीं है। अगर जरूरत पड़े ना तो हम पड़ोसी के घर पर डाका डालकर वहां से पानी लेके आएंगे। पकड़े गए ना तो जेल में पानी मिलेगा। ये एक आइडिया। गॉड पर फेथ रखना बेटा, वो हम सबका एग्जाम ले रहा है। फाइनल एग्जाम? वो तो 7-8 दिन के बाद होगा। लेकिन याद रखना, जिसने नल दिया है वो पानी भी देगा। सच्ची? अभी चुप। हाँ, बोलो। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लिसन। हाँ, हाँ। एक दिन क्या हुआ? हाँ। एक गांव में अकाल पड़ा, सब लोग पानी करने लगा। अचानक वो गांव में एक सेंट आया, साधु। हाँ। वो बोला, जब तक इस गांव में पानी नहीं आता हम फास्ट करेगा। हाँ? अनशन? हाँ। और उसने 2 मन तक कुछ भी नहीं पिया। ये भी नहीं? वाटर पानी? हाँ, वाटर भी नहीं।
गॉड ने उसका बात सुन लिया। आफ्टर टू मंथ्स इतना पानी आया खूब पानी आया। मगर यहाँ फास्ट रखेगा कौन? ये विली मैडम तो दो जन का खाती है, पानी की जगह खाना ढूंढती रहती है। फिर कैसा आएगा वाटर? कोई ना कोई तो फास्ट रखना मांगता ना। लेकिन कौन करेगा फास्ट? मैं करूंगा। क्या? हाँ, मैंने अपने कान से सुना, उसने कहा कि हम छोड़ेगा खाना पीना, सब छोड़ेगा। फेंक दूंगा सब कुछ, डाल दूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे। विकी, ये तुम्हारा बक्सा लिया है, नाराज तो नहीं हो ना? तुम महान हो विकी। हाँ, इसीलिए तो दुबला होने जा रहा हूँ। विकी, पहली बार हम दोनों एक ही पॉइंट पर राजी हो गए। मतलब? अब देखो ना, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रही हो। आंटी मुझे डांट नहीं रही है और मधु इसे बेवकूफाना हरकत नहीं समझ रही है। ग्रेट सरप्राइज यार। तुम्हारे ट्रू फेस को हम रिकॉग्नाइज नहीं किया मैं सर। ये लो। अरे चक्रम, ये क्यों ले आई? इनका फास्ट है ना? हाँ, मेरा फास्ट है, मैं ये नहीं खा सकता। अरे लेकिन इन्हें देख कौन रहा है? ये तो पड़ोसियों ने भेजा है, जल्दी जल्दी से टच कर दो, मुझे सारे मोहल्ले में बांटने हैं। मतलब मैं भूखा रहूंगा और सारा मोहल्ला लड्डू खाएगा? सर, तुम्हारे जैसा सेंट आदमी स्वीट को टच करेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। इतना बड़ा सोशल वर्क कर रहा है तुम। इसमें सोशल वर्क कैसा? पागल, अरे तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से तुम जब चलते हो ना तो पूरे का पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ हिलता डुलता है। अरे तुमने तो चल चल कर रास्ते में गड्ढे बना रखे है ना। अच्छा, मैं स्लिम हो जाऊंगा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की जरूरत है। फिर तो मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, मैं जनता के लिए सब कुछ सह लूंगा। ये कुछ भी मैं टच कर लूंगा। ग्रेट। चलो बसंती, मैं भी तुम्हारे साथ प्रसाद बांटने चलती हूं। और विनी जी, तुम सो जाओ, अगर कुछ भी जरूरत हो ना तो बुला लेना। ओके, चलो 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 चलो। बाय बाय मधु। ये फ्रॉड है, लुच्चा, लफंगा। भानु जी, आप क्या करें? पता नहीं विनी वहाँ पे सो रहा है। ओ, तो ये लफंगा तुम सबको बेवकूफ बनाकर सो रहा है। पापा, उसे लफंगा मत कहिए, वो तो स्वयं ईश्वर का अवतार है। अच्छा, तो तुम पर भी जादू कर दिया उसने, हैं? बदमाश, सारे का मापा, लुच्चा, मापा था निसा। बात कीजिए, मुझे आपको पापा कहते हुए भी शर्म आ रही है। और मुझे अपनी बेटी कहते हुए कौन सा फक्र महसूस हो रहा है? अरे कभी कोई अनशन करके पानी लाया है? तो है तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय? हाँ। सिर्फ चिल्ला रहे हो। हाँ, उपाय है पानी के लिए, मेरे पास उपाय है, राग मेघमल हार। अपनी बाल्टी, अपनी टंकी, सब कुछ ले आओ, मैं पूरे घर को पानी में डुबो दूंगा। मेरा हारमोनियम। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ खानी दे, अल्लाह मेघ। क्या हो रहा है? ए, मैं तुम काहे को रोता है? अरे मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, रोना शुरू कर दिया। कौन है? भानु जी आप? हाँ मैं। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, गुड़ खानी दे, अल्लाह मेघ दे। लेकिन हम उसे अच्छा से उठने नहीं देंगे। डेढ़ किलो तो कम हो गया होगा, अब तो मैं कुछ खा सकता हूँ।
हो। अगर तुम पूरे के पूरे डिसअपे भी हो गए ना, फिर भी हम तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे, समझे? अरे पहला नल में वाटर लाओ। हमारे श्रद्धा वाटर में मत डालो। मैं खाऊंगा, खाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने कसम खाई है, मैंने बीबीसी तक को लेटर्स भेजे है। अरे लेकिन मैं खाए बगैर मैं हमारी नजरों में मत गिरो, कम से कम फर्श का तो ख्याल करो। हाँ बेटा, देखो इन अभागी बच्चों को, इनके वास्ते प्लीज। पहला इस घर में 24 कलाक पानी रहता था, नल में तो पानी भरा पड़ा रहता था, और वो टंकी जिस पर बैठकर हम रॉबर्ट को खाना खिलाता था, अभी एकदम ड्राई हो गया है। देखो इन सब का जिंदगी अभी तुम्हारे हाथ में है। प्लीज प्लीज माय सन, प्लीज। ओके ओके। नहीं लेकिन तुम लोग मुझे इस सूली पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? अच्छा उठो उठो, तोड़ दो अंचल। लेकिन ये सोचो कि दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे। अरे लोग तुम्हें भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। तुम्हारी इज्जत खड़ियाम नीलाम हो जाएगी। नहीं, मर जाओगे तो कम से कम तुम्हारा स्मारक तो बनेगा। अच्छा कुछ नहीं, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। रियली? मैं जिंदगी भर तुम्हारी विधवा बनकर जी लूंगी। तुम्हारी तरह क्या हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता? लेकिन विनी, तुम मरोगे नहीं तो सफेद साड़ी पहनने का मजा कैसे आएगा? नहीं, तुम सब लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हो। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। मैं आऊंगा। नहीं, मुझे खाना है। समझे? लेकिन जब तक तुम 25 किलो के नहीं हो जाते ना, ये रस्सी नहीं खुलने वाली। तेरह सौ किलो में से 25 किलो होते होते तो मैं जागो विनी, जागो। कौन है? तुम्हारी आत्मा। मेरी आत्मा? बोलिस बार। यू मीन मर गया? मैं मर गया? मैं मर गया? विकी विले मैं मर गया? मैं मर गया? तो गाइड करो, तुम मुझे गाइड करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा। पर तुम मौत से इतना डरते क्यों? अरे ये मरना नहीं है, ये तो वस्त्र बदलना है, वस्त्र बदलना। फिलोसॉफी मत छाड़ो, फिलोसॉफी मत छाड़ो। चुपचाप मेरी बॉडी के अंदर वापस आ जाओ, चुपचाप वापस आ जाओ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ, क्योंकि मेरे पेट में इस तरह से चूहे दौड़ रहे हैं जैसे मेरा पेट नहीं रेस का मैदान हो। यही मौका है बेनी, यही मौका है संसार की झंझटों से, संसार की माया से छुटकारा पाने का। और तुम तो बलिदान देने जा रहे हो, तुम्हें तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मुझे सिर्फ दो वक्त की रोटी दे दो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। वैसे भी स्वर्ग बड़ी बोर जगह होती है। तुम्हें खाना कैसे मिल सकता है विनी, तुम तो यहाँ बंदे पड़े हो। अच्छा अच्छा, अगर तुम मेरी बॉडी चीर कर, मेरी पसलियों की जेल तोड़ कर बाहर भाग सकते हो, तो क्या मैं इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकता? मैं भाग नहीं सकता? You want to wait? You want to challenge? विनी, विनी, मुझसे शर्त लगा दो। अपने आप को संभालो विनी, अपने आप को संभालो। नहीं, नहीं, नहीं। सपना होगा विली, सो जाओ।
वाटर? ए, नहीं नहीं पानी पानी विक्की चलो आंटी आंटी विक्की यानी आ गया आ गया अरे अरे हमारा विनी का मेरे से वाटर आ गया इधर है हमारा सर विनी का विनी का है बट्टा और अगर तुमने फिर अनशन किया तो फिर से पानी चला।